वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, आज हम लोग बनाने वाले हैं वेज मंचूरियन आप लोगों के साथ। तो चलिए चलते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे 8 से 10 ऑनियन, फिर लहसुन 2 कली काफ़ी है, अदरक और यहाँ पे शिमला मिर्च, और इसके साथ ही हम लोग कुछ बीन्स का यूज़ करेंगे। आई थिंक 100 ग्राम काफ़ी है, 8 से 10 कैरेट काफ़ी है, और 2 पत्ते गोभी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैदा हम लोगों ने 1/2 kg लिया है और अरारोट 100 ग्राम, ठीक है। मैं यूज़ आपको आगे चल के बताऊँगी, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट इतना यूज़ होगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताती हूँ कि जो 2 लहसुन की कली हम लोगों ने ली थी उसे बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग काट लेंगे, और अनियन का यूज़ जो हम लोग कर रहे थे उसे रफली बस चॉप करना है, रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल शेप में आप दे सकते हैं। और यहाँ पे अदरक, आप इसे क्रश भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आप जितने बारीक शेप दे के इसे काट सकते हैं वो इनफ है। फिर यहाँ पे मिर्च के स्लाइस को हम लोग 3 से 4 स्लाइस से काटेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, और शिमला मिर्च इसे भी हम लोग जिस तरीके से प्याज के टुकड़े को स्लाइस किया था सेम इसे भी हम लोग उसी शेप में काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शिमला मिर्च और लगभग सारे प्रोडक्ट रेडी हो गए हैं, और एक बीन्स बच गई। तो बीन्स भी हम लोग बारीक ही काट लेंगे, क्रश भी कर सकते हैं आप, लेकिन क्रशर में से थोड़ा हार्ड लगेगा। कैरेट को हम लोगों ने क्रशर के हेल्प से ही क्रश कर लिया है। और यहाँ पे हमारा कैरेट, इसे आप बारीक जितना बारीक हो सके उतना बारीक काटिए, क्योंकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी जब हम इनके बॉल्स रेडी करेंगे तो। और ये फाइनल हमारा जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे हम वेज मंचूरियन बनाने में, ये रहा। मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, मैं शॉर्ट टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में उतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अगर लंबा वीडियो भी मैं बनाती तो आप लोग स्किप भी करते कुछ कुछ टर्म्स, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही जितना जल्दी हो सके मैं आपको बना करके बताऊँगी। और फाइनली हमारे पास इतना इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होगा इसे बनाने में, ठीक है। और फिर अब हम लोग एक पतीले में जो हम लोगों ने बॉल्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स का यूज़ है वो सबको एक में डाल करके मिक्स करेंगे। और ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अरारोट, जो हमारे ये वेज मंचूरियन के बॉल्स है उसे कुरकुरा बनाने में बहुत हेल्प करेगा। आप लोग रिज़ल्ट खुद देखिएगा। और ये मैदा हम बॉल ये कटोरी के हेल्प से ही आपको नाप करके बता रहे हैं ताकि वो इजी होगा। एक कटोरी का यूज़ हम लोगों ने अरारोट का किया था और 1/2 kg मैदे का यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे 2 कटोरी में हो जाएगा। और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए, किसी को ज़्यादा पसंद होता है किसी को कम, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक मेज़रमेंट नहीं रखा है। और सब कुछ डाल करके इसे हम लोग अच्छे से मैश करेंगे। अभी पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने जितनी भी सब्जियां इसमें यूज़ कर रहे हैं उसमें नमी होती है, जिसकी वजह से अगर हम ऊपर से पानी का यूज़ करेंगे तो वो हमारे बॉल जो है वो टूट सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इसे उतना अच्छा ये सेक देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिना पानी का यूज़ किए हम लोगों ने इसे रेडी कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मैश नहीं हो पा रहा है, तो आप 2 से 3 स्पून दैट मीन्स स्पून का यूज़ करना है हम लोगों को पानी यूज़ करने के लिए, ना कि हम लोग ग्लास वगैरह से डाल दिए तो फिर बॉल्स नहीं बनेंगे। ये देखिए आप कितने अच्छे से बॉल्स रेडी हो रहे हैं हमारे, छोटे छोटे आप टुकड़ों में काट करके इसे गोल गोल सेक करके हम लोग एक साइज के बॉल्स रेडी कर सकते हैं। वाह, तो यहाँ पे हमारा वेज मंचूरियन बनाने के लिए बॉल्स रेडी है। अब इसे हम लोग कढ़ाई में तलेंगे, और एक बात ध्यान रखिएगा कि हम गैस का जो फ्लेम है एकदम मीडियम फ्लेम पे इसे तलना है। आप कम भी कर दे तो चलेगा, लेकिन फुल फ्लेम में बिल्कुल नहीं तलना है,
क्योंकि इसे कुरकुरा हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे कुरकुरा बनाना है हमें, तो आप मीडियम फ्लेम में इसे तलना स्टार्ट कीजिए। अभी ये हल्का हल्का अपना कलर ला रहा है, देख लीजिए ये इस कलर के मतलब स्लाइटली मरून होना चाहिए, डार्क नहीं, स्लाइटली मरून इनफ है, ये कलर इनफ है। और जब आप कढ़ाई में चलाइएगा तो आपको पता चल, वो खुद ही पता चल जाएगा कि ये कुरकुरा हो चुका है, तो उस समय आप निकाल सकते हैं। ये हमारा बॉल्स रेडी हो गया, हम लोग निकाल लिए हैं इसे। ये फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं आप लोग कितना कुरकुरा है। अब हम लोग वेज मंचूरियन की ग्रेवी की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो ग्रेवी बनाने के लिए अलग से इंग्रेडिएंट काट के रखे थे, लहसुन अदरक मिर्च, ठीक है, इसे इसका यूज़ करेंगे हम लोग। ये रेडी हो रहे हैं, हल्का ही ब्राउन करना है क्योंकि ग्रेवी में ऐसा नहीं है कि इसको हम पूरा ब्राउन कर दिए, तो वो मटेरियल जो है काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हल्का ही ब्राउन करना है। या बहुत होते हैं कि आप स्ट्रीट फूड पे देखते हैं वो तो ब्राउन भी नहीं करते क्योंकि उसका फ्लेवर आता है, स्मेल आता है, दैट्स वाई। बट घर में जनरली यूज़ होता है तो थोड़ा सा तो ब्राउन करते ही हैं क्योंकि उतना भी बिना ब्राउन का अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रफली हम लोगों ने अनियन को स्लाइस किया था तो वो यहाँ पे खुल जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। और ये नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें, यहाँ पे जो हम लोग 6 पर्सन के लिए हम लोग यहाँ पे वेज मंचूरियन बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 2 स्पून जो मीडियम वाले स्पून है उसमें 2 स्पून, क्योंकि वो बॉल से रेडी कर रहे थे तो उसमें भी हम लोग डाल रहे थे, तो 2 स्पून साल्ट का यूज़ किया हम लोगों ने। और फिर इसमें गरम मसाला 10 रुपये का पैकेट, आप पूरा कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप 2 से 3 लोगों के लिए बना रहे तो आप आधा यूज़ कीजिए, ये ना। और यहाँ पे सॉस, चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस का यूज़ हम लोगों ने किया है 10 ml, ठीक है, उससे ज़्यादा, सॉरी 100 ml का यूज़ किया है क्योंकि 250 ml का ये बॉटल है तो हम लोगों ने 100 ml तक यूज़ किया है। और जो भी हम लोगों ने रेड चिली और ग्रीन चिली का यूज़ किया है इसमें सोया सॉस बहुत ही, उसे हाफ ही यूज़ किया है क्योंकि वो इनफ है। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी सुनहरा रंग, और देख रहे हैं कितना टेस्टी लग रहा है, जैसे मार्केट में बनते जो इनहांस तरीके से वो उस ग्रेडियंट का हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, लेकिन हाँ जो भी प्रोसेस मैं बता रही हूँ आपको वो इजी है और टेस्टी है। यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट में डाला है वो गुड़ की पाउडर का यूज़ किया है, आप उसको लास्ट में हम लोगों ने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत कुछ उसे स्कीप भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर थोड़ा सा हेवी चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फाइनल रिजल्ट वाव, ये तो ग्रेवी देखने में इतना टेस्टी लग रहा है। और ये जो हम लोगों ने घोल डाला है इसमें, ये अरारोट का घोल है क्योंकि ये हमारी जो ग्रेवी है उसको थोड़ा गाढ़ा करेगा, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी होती है ग्रेवी की वो ज़्यादा थिकनेस अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा सा तो हम लोग गाढ़ा बनाते हैं। और ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया हम लोगों ने, इन्हें पानी का यूज़ ही नहीं किया है क्योंकि ड्राई चिली बनानी थी इसलिए। तो कढ़ाई में बॉल्स डाल करके ये फाइनली रेडी है, और आप देख सकते हैं ये दिखने में जितनी सुंदर लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी लगेगी, मस्ट बी ट्राई। वाह, तो फाइनल हमारी यहाँ पे वेज मंचूरियन रेडी है। सीरियसली आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel and press bell icon, like, comment and share.